हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं अमूल ताज़ा मिल्की मिल्क की, जो कि एक दूध की पैकेट आप कह लो, पेस्चराइज्ड होमोजेनाइज्ड टोन्ड मिल्क। इसमें फैट 3% है मिनिमम और SNF 8.5% मिनिमम। और इधर मैं दिखाऊँ तो सिंगल लेयर वर्जिन लोप फ्रीम 100% रिसाइकल प्लास्टिक, और आगे कोई डिटेल्स है नहीं, तो मैं आपको दिखाऊं। यूज बाय डेट और इसका MRP जो है वो 26 रुपीज़। और इसमें जो नेट कंटेंट है, नेट कंटेंट इस तरफ है, जो कि है 500 ml। यहाँ देखिए नेट कंटेंट 500 ml, 500 ml फॉर 26 रुपीज़। और इसके सारे न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रिंटेड है, आप चाहो तो उसे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। कीप रेफ्रिजरेटेड एट 4 डिग्री सेल्सियस और बिलो फॉर स्टोरेज। बॉइल द मिल्क, कूल स्टोर इन चिलर सेक्शन और रेक बिलो चिलर सेक्शन ऑफ योर रेफ्रिजरेटर। इन कैनागेट 4 डिग्री से कम इसमें आपको रखना पड़ेगा, और आप बॉईल कर भी सकते हो, इसे बॉईल करके भी रख सकते हो। दिस ब्रांड इज़ नेम ट्रेडमार्क एंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर। और इनको दिखाओ तो इस तरफ में सारे कहाँ कहाँ ये इसके प्रोडक्शन प्लांट्स है उसका डिटेल्स दिया हुआ है, यहाँ पर नीचे कस्टमर केयर का डिटेल्स आप दे सकते हैं। और मैं कह दूँ कि ये अमूल जो ताज़ा मिल्की मिल्क है, ये काफ़ी मतलब गाढ़ा दूध है, इससे आप बहुत सारी डिश बना सकते हो। और ताज़ा के साथ साथ इसका गोल्ड ब्रांड भी आता है, जो कि इससे भी ज़्यादा उसमें अच्छी क्वालिटी रहती है, उसका प्राइस भी ज़्यादा रहता है। इस पैकेट का छोटा भी आता है, और यही है सबसे बड़ा वाला पैकेट इसे ताज़ा ब्रांड का। और इसी तरह के और भी रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।